आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और अनदर डे ऑफ बसंती मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट। और आज का सीन कुछ यूँ है कि कल था जुम्मा 12 रबीउल अव्वल, जिसकी वजह से सब कुछ था बंद। आज यहाँ इसकी छत कोशिश वाला काम ख़त्म हो जाएगा और अलॉय रिम्स इसके लग जाएंगे। बाकी बम्पर और किट्स पेंट हो रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। लें जी बिस्मिल्लाह, स्टार्टिंग ऑफ द डे है। अल्लाह करे आज का दिन हमारा अच्छा गुजर जाए, काम शाम सब कुछ खैरियत खैर खैरियत से हो जाए, और फिर हम आपको फाइनल बसंती के शॉट्स दिखा सके। अब तक तो आप सबको मेरे साथ जा के रास्ता याद हो ही गया होगा, वर्कशॉप बिल्कुल ही साथ है जो हमारे घर से। गाइस एक मसला हो गया, वो ये है कि रिम्स तो रखे ही गाड़ी के अंदर, अब वापस जाना पड़ेगा रिम्स के लिए, पर पहले वर्कशॉप से हो लेते हैं। जैसे ही हम वर्कशॉप पहुंचते हैं तो उधर एक मसला ऑलरेडी चल रहा था, और वो था किट्स इंस्टॉलेशन का। क्योंकि हम किट्स अल्ट्रेशन के लिए लेकर आए थे दूसरी गाड़ियों की, फ्रंट हमने सुजुकी स्विफ्ट की इस्तेमाल की, बैक हमने होंडा सिविक रिबर्थ की इस्तेमाल की, और साइड पैनल्स जो थे वो होंडा सिटी के थे। तो अब इसमें करनी थी अल्ट्रेशंस। तो अल्ट्रेशन के वक्त जो गौर किया गया वो ये था कि स्विफ्ट की किट अभी 3-3 इंच छोटी थी दोनों साइड से, तो इसका हल अभी तलाश करना था। और वो ये तलाश किया गया कि हमने फाइबर वाले के पास गाड़ी भेजी किट्स की इंस्टॉलेशन करके, और उसने एक्स्ट्रा फाइबर के पीसेस उन जगह पे लगा दिए जहाँ जहाँ से किट छोटी पड़ी थी। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में दिख जाएगा। मूड अपना फुल फजूल फारग हो गया हुआ है, ये तो स्पॉइलर लगाने की कोशिश है। एक हमारी किट का सत्यानाश कर दिया बैक वाली का, लेकिन ये भाई ने हमें उम्मीद दिलाई है कि वो ठीक कर लेगा फाइबर का पीस लगा के। साइड स्कर्ट्स हैं थोड़ी बड़ी हैं, अभी क्यों बड़ी हैं ये भी नहीं समझ लग रही है। अभी भी ओजन से लिया, उनको मैसेज किया है, अब देखें। बाकी उधर बम्पर की मंजाइयाँ हो रही हैं, उसको पेंट शेंट शुरू होने लगा। घर आ गए जी रिम्स पकड़ने। रिम्स की थोड़ी सी जल्दी करती है, रिम्स पिक करके अभी रिम्स लेके जाते हैं और फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। साइड स्कर्ट्स लग गई है यार, अब हम निकल रहे हैं कोशिश वाले की तरफ, और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज के दिन में रिम लग जाएंगे गाड़ी पे। साथ हमने बाइक पे ले लिया, और इनको इनकेस कोई मसला हो जाए ना गाड़ी में तो वो। भाई ने हमें दे दिया अभी जवाब कि एक आधा दिन मुझे लगेगा कैलकुलेशन करने में इसकी छत का और गत्तों का। अब हम जा रहे हैं द मोस्ट फेवरेट थिंग, मतलब द मोस्ट फेवरेट पार्ट, के आज हम अलॉय रिम फिट करने लगे हैं और लाइब्रेरी बैलेंसिंग कराने लगे। लेट्स गो। रिम्स हमारे हैं 13 इंचेस केटी रेसिंग 114 पीसीडी 5.5 जेजे के,
और ये 13 इंच की इस वजह से हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए हम टायर प्रोफाइल चेंज करने वाला रोला बिल्कुल भी संभाल नहीं सकते थे। से अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो गई है, अपने लॉय रिमूवर लग गए हैं और अब बस वर्कशॉप जाने की तैयारी है। बाकी देखते हैं उसने रिमूवर पेंट किए हैं कि नहीं किए हैं, तो बेसिकली फिर अगे घर छड़िया नहीं 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 भाई ठीक है घर आले कहते ने सू मिलन नहीं आया कि गड्डी मिलन नहीं आया, पूरा पूरा दिन वर्कशॉप। ये है जी रिम लग गए, बंबर ला के सी देख लिया, अभी उतरे। कौन बुला रहा आपको, एक्सक्यूज मी, किधर जा रहे हैं? अच्छा तो ये जी रिबर्थ की बैक लग चुकी है हमारे बंपर पे, अब बस ये चीज़ रहेगी साइड ये वाली भी दोबारा करते हैं। मैं वो तो साथ ही है, साथ मिल के जो है ना लग रहा हूँ, दोनों मजदूरी डिवाइड करेंगे आप। अभी लगे हुए हैं जी तो ये भाई बैक रिबर्थ वाली लगाने, फ्रंट हमारी चुकी थी वो लग चुकी है, बैक भी बर्थ की थी वो लग गई है, अल्ट्रेशन होनी थी उसमें इसलिए वो इतना टाइम दे रही। बाकी फ़ोन अभी एक चार्ज पे लगाया, सोच रहा था घर जाऊँ पर फिर चार्जर इधर ही कोई मंगवा दिया, अभी करके इंशाल्लाह फिर चलते हैं। और कोशिश है कि प्रिंटर कल आ जाए, कल इतवार है छुट्टी, मैंने कहा भाई जी एक दिन छुट्टी ना करो की हो जाएगा, जितना हो सके उतना काम तो हो जाएगा, अंदर से सारा कोशिश वाला काम भी उधर का उधर ही रह गया। तो उसने भी चाहे एक दिन का टाइम मांग लिया हमारे कोशिश वाले ने, डोर के जो कार्ड्स बने हैं वो भी मैं भी आपको वीडियो में ना दिखा सकूँ, बने बनाए जो बन रहे हैं वो दिखा दूँ। बाकी टेंट्स की बात रह गई है, हम शायद कोशिश करेंगे कल अगर कोई शॉप खुली हुई तो टेंट करा देंगे कल उसको। बाकी ऑल गुड, हाँ चलो हो जो जो छुट्टी कर ले जिसकी वजह से अब दोबारा फाइबर वाले के पास जाएगा पीस, ये इतना जो है ना दोबारा पीस लगेगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है,
जो कि मुझे अभी अभी याद आया, वरना सुकून और चैन तबाह हो जाएगा हमारा अगर वो काम ना हुआ। पर वो ये है कि सिस्टर की बर्थडे है, बर्थडे, और वी हैवंट है कोई वक्त फॉर एनी गिफ्ट, ना ही हमने कोई गिफ्ट लेने की कोशिश की, ना हमें याद रहा। मैंने कल कहा यार अभी तो एक दिन का पूरा टाइम है, आराम से लेंगे, पर जी सानू आज फिर कमाची भूल गया। अब चलते हैं।